नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं के क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अगर वो किसी फार्मूले में, नियम में अटक गए हैं, उलझ गए हैं या कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, तो उनके मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूं। ये कुंडली दिखाने के लिए नहीं है। कोई पूछ रहा है जी मेरे बच्चे की मैरिज कब होगी, उसकी नौकरी कब लगेगी, संतान कब होगी, इन सब के लिए आप ऊपर एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर फ़ोन कीजिए, बैंक में फीस जमा कराइए और अपॉइंटमेंट लेकर आपको कुंडली का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, नाम नहीं लिखा हुआ है। सर, कुंभ लगन में सेवंथ हाउस में रवि और बुध हैं, इसमें क्या फल प्रदान होगा? और लग्नेश शनि इलेवंथ हाउस में बैठा है। कुंभ लगन में सातवें भाव में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश सूर्य बैठा है, तो ये तो सप्तम भाव तो बहुत शुभ फलदायक हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें पंचम भाव का स्वामी बुध भी बैठा है। अब ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया, यानी कि ये राजयोग हो गया, तो ये शुभ फलदायक हो गया। आपने बोला कि शनि इलेवंथ हाउस में बैठा है और वो कुंभ लग्न में लग्नेश होकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को भी दृष्टि दे रहा है, ये भी एक राजयोग है, तो यानी कि ये तो शुभ फलदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री विद्या सिंह जी का, अष्ट ग्रह वर्गोत्तम हो, गुरु जी तो मार्गदर्शन करें। जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो वो उच्च के ग्रह के समान फल देता है, यानी कि बहुत शुभ या अशुभ आपको कुंडली के हिसाब से देखना पड़ेगा, अच्छा फल देगा। अब वो आप कह रहे हो अस्त भी है, अस्त होने के बावजूद भी अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी शुभता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव शर्मा जी का, प्रणाम गुरु जी, क्या कन्या लगन में यदि कुंडली में अस्त बुध नवमांश में वर्गोत्तम हो तब उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी? बिल्कुल होगी जी। बुध को वैसे भी अस्त नहीं मानना चाहिए, बुध 60% कुंडलियों में, 70% कुंडलियों में सूर्य के साथ ही होता है और एक बहुत बड़ा योग बनाता है, बुध आदित्य योग बनाता है, और नवमांश में वो वर्गोत्तम है, यानी कि उच्च ग्रह के समान ही फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रौनक सिंह जी का, जैसे कोई भी ग्रह निर्बली हो, ये हो चुका है क्वेश्चन, पिछली वीडियो में हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभानु गुप्ता जी का, प्रणाम गुरु जी, विपरीत राजयोग जो ग्रह बनाते हैं क्या उनका पीड़ित होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी, बारहवें भाव का स्वामी, यदि ये तीनों में से कोई भी छठे, आठवें या बारहवें भाव में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, पीड़ित होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन पॉइंट, कुंभ लगन में शनि अपनी उच्च राशि में भाग्य भाव में मंगल और राहु की युति है, क्या फल देगा? सबसे पहले तो कुंभ लगन का स्वामी लग्नेश नाइन्थ हाउस में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लग्नेश का नाइन्थ हाउस में जाना ये राजयोग होता है। अब इसके साथ मंगल बैठा, मंगल किस भाव का स्वामी है? टेंथ लॉर्ड, यानी कि केंद्र में और लगन के दोनों स्वामियों की युति भाग्य भाव में होती है, बहुत शुभ है ये, बहुत शुभ फल लायक है। इसके अलावा राहु भी बैठा है, राहु की एक नेचर होती है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके ही गुण अपना लेता है। अब यहाँ पे शनि इसका मित्र बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो शनि के गुण अपना लेगा, तो यानी कि राहु भी राजयोग कारक हो गया,
तो ये मिलके अच्छा ही फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप साहू जी का। आचार्य जी प्रणाम, वृश्चिक लगन में मंगल लगन में 11 डिग्री में और शुक्र 10th हाउस में 29 डिग्री पर है। 7th हाउस में मंगल की दृष्टि के अतिरिक्त कोई दृष्टि नहीं है। शुक्र पर केतु की 9वीं दृष्टि है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? पहले तो जातक मंगली है क्योंकि 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगली से विवाह करना आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं हम विवाह का कारक शुक्र, वो 29 डिग्री पर 10th हाउस में बैठा है। 29 डिग्री के ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। शुक्र वीर्य का कारक है, विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, तो यानी कि सब में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। इसलिए शुक्र निर्बली होने के कारण वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवीण नवलखे जी का। गुरुजी प्रणाम, प्राण दशा जो 1 या 2 दिन की होती है उससे प्रिडिक्शन निकाला जा सकता है क्या, या सिर्फ दशा अंतरदशा से ही निकाला जा सकता है? देखो, प्राण दशा निकालने के लिए ना टाइमिंग्स बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे प्राण दशा से दिन नहीं घंटे निकलते हैं, पर्टिकुलर 2-4 घंटे निकलते हैं। अगर टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है तो प्राण दशा से भी निकाला जा सकता है। पुराने ज़माने के लोगों का टाइम एक्यूरेट नहीं होता था, आज के बच्चे जो हैं बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। आज के बच्चों को सेकंड तक भी पता होता है, जिनकी उम्र 35 साल तक की है उनके अगर बच्चे होते हैं तो मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ये बताते थे टाइम ये है जी 6:15:52। तो मैंने कहा कि 52 सेकंड आपने नोट किया था? अब ये पता नहीं और जगह होता ही या नहीं होता। दिल्ली बॉम्बे और बड़े शहरों में आजकल डॉक्टर स्पाउस को अलाउ कर देते हैं, वो कहते हैं जी मैंने अपनी घड़ी से खुद देखा था। तो टाइमिंग जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इनका रोल बढ़ जाता है। प्राण दशा से बिल्कुल कैलकुलेशन होती है जी, प्रिडिक्शन की जाती है, सब्जेक्ट टू एक्यूरेसी ऑफ टाइमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरगोता मुखर्जी का। प्रणाम सर, धनु लगन में शनि 3rd हाउस में वक्री है, शनि की महादशा कैसी जाएगी? धनु लगन में शनि मारक है और मारक यदि बलि हो जाता है और उसकी दशा आ जाती है तो जातक को शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं। मार्किश का रोल होता है, मारेगा नहीं लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देगा। लेकिन 3rd हाउस में 3rd लॉर्ड बैठा हुआ है, उसके भी बेनिफिट है कुछ ना कुछ, हर भाव से कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल जरूर मिलते हैं। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छा होगा, ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, इसके अलावा साहस पराक्रम एनर्जी पावर बढ़ जाती है, डिसीजन पावर बढ़ जाती है। हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा ये सब है, आपके डिसीजन पावर अच्छी होगी तो व्यवसाय में नौकरी में काफ़ी रिस्क ले लेते हैं जल्दी, तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धन लाभ भी जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबा शिवा राव जी का। सर गुड मॉर्निंग, इफ जुपिटर मून मार्स केतु इज प्लेस्ड इन 8th हाउस टॉरस लगन प्लीज टेल व्हाट आर द रिजल्ट्स। अब चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठा तो ये ग्रहण योग है, मानसिक पीड़ा टेंशन भी देगा। चंद्रमा अगर गुरु के साथ बैठा है तो ये गजकेसरी योग भी है, तो यानी कि वसीयत में गजकेसरी केंद्र और त्रिकोण में ही अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी अशुभ भाव में बैठा है और उन्हें एक ग्रह स्वराशि का हो तो उसके फल भी मिलते हैं। तो 8वां भाव वसीयत का भी होता है, अन मनी का भी होता है, ससुराल के धन का भी होता है, तो यानी कि वो भी प्राप्त होगा। और चंद्रमा के साथ
मंगल बैठा है, ये लक्ष्मी योग है, वही सेम है, बिना मेहनत का धन प्राप्त होगा। लेकिन मंगल यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी भी है, मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनायक मिश्रा जी का। गुरु जी मेरा मिथुन लगन है, शुक्र चंद्र 10th हाउस में मीन राशि में है, गुरु शनि राहु से दृष्ट है, और शुक्र की महादशा कैसा फल देगी, क्या ये पंच महापुरुष योग बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है जी, केंद्र में शुक्र अपने उच्च राशि में बैठा है, ये पंच महापुरुष योग भी बन रहा है और शुक्र की महादशा आपको शुभ फल देगी, धन संबंधी लाभ जरूर होगा, प्रोफेशन में लाभ होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य कुमार जी का। सिंह लगन में शुक्र सप्तम भाव में 28 डिग्री और 9 मिनट पर मृत अवस्था में है, गुरुजी शुक्र आत्मकारक ग्रह भी है, क्या यह फल देगा? बिल्कुल ये आपको अच्छा फल देगा, शुक्र से रिलेटेड आपको शुभ फल मिलेंगे। प्लस ये दशम भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी अगर अपने से दशम में, यानी कि भावात भावम नियम के अनुसार दशम भाव का स्वामी अपने से दशम सातवें भाव में बैठा हो तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है प्रोफेशन के लिए, यानी कि ये आपको शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक वर्मा जी का। गुरु जी प्रणाम। 11th हाउस में सूर्य बुध चंद्रमा इन मीन राशि में क्या फल मिलेगा? 11वें भाव में मीन राशि है तो यानी कि टॉरस लगन हो गया, इसमें सूर्य बुध चंद्रमा लाभ भाव में बैठे सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, तो यानी कि ये तीनों आपको शुभ फल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिजनेस सीक्रेट। 2nd हाउस इज एम्प्टी, इसका क्या मतलब है सर? कोई भी भाव अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उस भाव के स्वामी को देखिए, उस भाव पर पड़ने वाली दृष्टियां देखिए, सबका प्रभाव होता है। भाव में जो ग्रह बैठे हैं, जिनकी दृष्टि है और जो उस राशि का स्वामी है, सबका प्रभाव होता है। अगर एम्प्टी है, खाली है 2nd हाउस, तो जो ग्रहों की दृष्टि आ रही है या जो उस राशि का स्वामी है उसके इफेक्ट देखिए, उनको देखिए, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज लिटी चक्र। गुरुजी प्रणाम। केतु मूल त्रिकोण राशि में 10th हाउस में क्या फल देगा? यानी कि वृश्चिक लगन हो गया आपका, केतु अगर अपनी 10th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो ये आपको शुभ फल देगा प्रोफेशन से रिलेटेड, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, नौकरी बहुत अच्छी होगी, व्यवसाय बहुत अच्छा होगा। हालांकि केतु जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करा सकता है या नौकरी आईटी सेक्टर में होगी तो आपको बहुत शुभ फल देगा। नमस्कार।